In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Ashoka. Dosto Ashoka, jo release hui thi 26 October 2001 ko, aur ye ek Bollywood historical drama film hai jisko 5 mein se 3.5 star ki rating di gayi thi. Iske director hai Santosh Siwan, iske producer hai Gauri Khan aur Juhi Chawla. Ab baat kar lete hain cast ki. Isme Shah Rukh Khan, करीना कपूर, साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार, डेनी टेंगसोंगपा, हर्षिता भट्ट, राहुल देव और जॉनी लीवर लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. बता दें कि जो फिल्म है इसमें जो साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार नजर आए थे, ये उनकी बॉलीवुड डेब्यूट फिल्म थी और उनकी एक ही बॉलीवुड फिल्म थी, यानी उन्होंने सिर्फ एक ही बॉलीवुड फिल्म में काम किया था और वो थी अशोका. अब बात कर लेते हैं कलेक्शन की. फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था वो था 11 करोड़ 54 लाख रुपीज का, 11 करोड़ 54 लाख रुपए का. इंडिया का लाइफटाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 19 करोड़ 39 लाख रुपए का, 19 करोड़ 39 लाख रुपीज का. इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट में 8 करोड़ 64 लाख रुपीज की कलेक्शन की थी. और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 28 करोड़ 3 लाख रुपीज का, 28 करोड़ 3 लाख का. फिल्म का बजट था 12.5 करोड़ का, 12 करोड़ 50 लाख का. अब बता दें फिल्म के बजट के अकॉर्डिंग फिल्म को दो वर्डिक्ट दी गई थी. एक वर्डिक्ट थी फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था उसके पर्पस के अकॉर्डिंग, और एक वर्डिक्ट थी फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था और इंडिया से जो बाहर का कलेक्शन था दोनों को इंक्लूड करके. अब वर्डिक्ट की बात करें यानी हिट और फ्लॉप की, अब जैसे कि मैंने बताया फिल्म का बजट था 12 करोड़ 50 लाख रुपीज का और फिल्म का इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था 11 करोड़ 54 लाख रुपीज का, यानी इंडिया का नेट कलेक्शन बजट से कम था. तो उस हिसाब से अगर हम बजट की बात करें तो अशोका इंडिया के कलेक्शन के पर्पस के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इंडिया का नेट कलेक्शन और इंडिया से बाहर का कलेक्शन दोनों को इंक्लूड करके फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट थी वो थी अबव एवरेज की, यानी कि फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है अबव एवरेज की. अब फिल्म के जो एल्बम है उसके अंदर टोटल 7 गाने थे. गानों को कंपोज किया था अनु मलिक जी ने और गानों के लिरिक्स लिखे थे गुलजार जी और आनंद बख्शी जी ने. अगर मैं फिल्म में शाहरुख खान के रोल की बात करूं, जैसे कि फिल्म का नाम है अशोका, तो शाहरुख खान का फिल्म के अंदर नाम होता है अशोका, और जो अजीत कुमार होते हैं उनका जो रोल होता है वो शाहरुख खान के सौतेले भाई का रोल निभाते हैं जो बड़े भाई होते हैं. तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.